Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss chemical properties of pyrrole. क्या चीज chemical property? Chemical property of pyrrole का एक नया वीडियो है. इसमें हम लोग chemical property को क्या कर रहे हैं? Continue कर रहे हैं. आपको बता दें कि इस क्लास में जो हम लोग chemical property देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं nitrations of pyrrole. और साथ ही साथ एक और chemical property देखेंगे, that is brominations of pyrrole. आपको बता दें कि ये जितना भी केमिकल प्रॉपर्टी का सीरीज हम लोग देख रहे हैं पायरोल के केस में, ये सबका सब आगे चल के आपका हेल्पफुल होगा किसमें, नेक्स्ट फाइव मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, जैसे कि फ्यूरेन में, थायोफिन में, वहां पर भी सेम काम यही होगा. बस पायरोल की जगह पे फ्यूरेन आएगा और फिर थायोफिन आएगा. बाकी सब सल्फोनेशन का प्रोसेस, सब आपका नाइट्रेशन का प्रोसेस, ब्रोमिनेशन का प्रोसेस सिमिलर होगा. यहां तक कि फाइव मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को छोड़कर के सिक्स मेंबर हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड जब पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको कॉन्सेप्ट से नहीं मिलेगा. बस पोजीशंस का डिफरेंस होता है कि इसमें टू पोजीशंस पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, वहां पे किसी में फोर पे होगा, किसी में थ्री पे होगा, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा. तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वहां पे हम केवल कॉन्सेप्ट बताएंगे, आपको यही सब कॉन्सेप्ट करेगा. ठीक है, तो आप अच्छे से हर एक वीडियो को देखिएगा इसका केमिकल प्रॉपर्टी का. आज की क्लास में क्या बात करेंगे, नाइट्रेशंस और ब्रोमिनेशंस ऑफ पायरोल. सबसे फर्स्ट बात करते हैं नाइट्रेशंस ऑफ पायरोल. नाइट्रेशंस ऑफ पायरोल की बात करें तो उसका सबसे पहले स्टेटमेंट एक लाइन लिखा हुआ है, देख लीजिए, उसके बाद फिर इसका रिएक्शन और मैकेनिज्म के ऊपर डिस्कस करेंगे. इसका लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि व्हेन पायरोल इज रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, यहां पे जो हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं वो लेते हैं डायल्यूट HNO3. क्या लेते हैं? डायल्यूट, कॉन्क नहीं लेते. इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या चीज, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में टू फॉर्म टू नाइट्रोपायरोल. प्रोडक्ट क्या मिलेगा? टू नाइट्रोपायरोल मिलेगा. मीन्स आपको मालूम है कि टू पोजीशंस पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करता है. तो इसी के चलते क्या मिलेगा, प्रोडक्ट टू नाइट्रोपायरोल. तो आइए इसका हम लोग देखते हैं रिएक्शन और फिर इसका मैकेनिज्म. बात करें पायरोल का, तो ये है आपका पायरोल. ठीक है, इसका रिएक्शन हमको कराना है डायल्यूट HNO3 के साथ. इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, दैट इज CH3 CO का होल ट्वाइस O, यह है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला. जाके आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनने वाला है टू नाइट्रो पायरोल. यहां पर जाकर लग जाएगा NO2 ग्रुप. ठीक है, टू पोजिशन पे NO2 ग्रुप है और ये क्या है, पायरोल है. सो इसका नाम क्या है, टू नाइट्रो पायरोल. उम्मीद है कि ये रिएक्शंस आपको समझ में आ गया होगा. यहां से देखिए दो टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, एक कन्वर्जन के रूप में कि आप क्या कीजिए, पायरोल से टू नाइट्रो पायरोल बनाइए, या सेकेंड पूछ सकता है डायरेक्ट कि आपको क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ पायरोल बताइए जिसमें कि क्या होगा, नाइट्रेशन शो करेगा, मींस नाइट्रेशन ऑफ पायरोल पूछ सकता है. तो दो फॉर्म में पूछ सकता है, जैसे ही पूछे कोई मतलब नहीं, आपको बस मैकेनिज्म आना चाहिए, आप बता दोगे. बात करते हैं इसका मैकेनिज्म का, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. मैकेनिज्म की बात करें तो स्टेप वन में क्या होता है, स्टेप वन में जो है आपका एसिडिक एनहाइड्राइड रिएक्शंस करता है किसके साथ, डायल्यूट HNO3 के साथ. तो आइए वही काम कर रहे हैं. एसिडिक एनहाइड्राइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं, आपको मालूम है. ठीक है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं HNO3 के साथ. तो HNO3 का कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, नहीं. अब देखिए यहां पे होगा क्या कि इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर, यहां पे भी दो लोन पेयर और इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर. ये दोनों ऑक्सीजन जो है आपका आइडेंटिकल है, मींस ये कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है, ये कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है, इसके इधर CH3 और इसके इधर भी CH3. मींस दोनों के पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दो दो लोन पेयर है. तो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो क्या करेगा कि ये लोन पेयर डोनेट करेगा यहां पे और इसका हाइड्रोजन को ले लेगा अपने पास. जैसे ही यहां पे डोनेट करेगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा नेगेटिव चार्ज. ठीक, इस इधर का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा तो यहां ओके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये जो है इस ऑक्सीजन के साथ जाकर के जुड़ जाएगा और ये डोनेट किया है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिर क्या बचेगा, ओ माइनस और इधर वाला जो ग्रुप लगा है वो रहेगा. तो आइए देखते हैं क्या बनेगा. CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ये डोनेट किया है, इसके चलते पॉजिटिव और इसके पास एक लोन पेयर अभी भी बचा हुआ है और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया. और फिर यहां पे क्या, ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इसको अच्छा से लिखो नहीं आप कंफ्यूज जाओगे. तो कुछ ऐसा बनेगा. और क्या बनेगा यहां से, और देखो यहां
यहां से जो बनेगा वो बनेगा O माइनस इन डबल बॉन्ड O O। तो करेंगे क्या है नेक्स्ट स्टेप में कि इसी के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा जहां पर डेल्टा पॉजिटिव करेक्टर होगा। तो कार्बन के पास इस कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव करेक्टर है, ठीक है। अब इस कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव करेक्टर है तो इसका पहले से जो है आपका क्या था टेट्रावेलेंसी कंप्लीट था। जैसे ही एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इससे एक और फायदा हुआ कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट था तो ये इलेक्ट्रॉन अपना फुलफिल करके अपना पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर लेगा। तो अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म कर लेगा तो बनेगा क्या यहां से, सो देखिए यहां से जो बनेगा वो बनेगा CH3 COH OC डबल बॉन्ड O CH3 और ये वाला जाकर के इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, दैट इज ओ एन डबल बॉन्ड ओ और यहां पे O, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं। ये कुछ नहीं होगा, इधर से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहां से ये वाला पोर्शन आपका CH3COO- बाहर निकल जाएगा। तो CH3COO- यहां से और यहां से H+ तो क्या निकलेगा CH3COOH, दैट इज CH3COOH, ठीक है। ये बाहर निकला और क्या रहेगा तो और आपका बचेगा CH3C, इसको थोड़ा सा और इधर दिखाते हैं अच्छा से जैसे CH3C डबल बॉन्ड O O N डबल बॉन्ड O O, यही बचेगा। अब बताइए कि CH3COOH कैसे ब्रेक होता है, CH3COOH कैसे ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है आपका CH3COO- और H+ में, ठीक है। वैसे ही यहां पर भी जो है आपका सिमिलर केस होगा, क्या होगा यहां पर भी सिमिलर केस होगा। ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा आपका CH3COO- और NO2+, जस्ट सिमिलर किसके जैसा CH3COOH के जैसा, तो यहां पे आपका ये ब्रेक होगा कुछ ऐसा। तो उम्मीद है कि स्टेप वन आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको स्टेप वन समझ में आ गया होगा तो आप स्टेप टू आसानी से कर लोगे। तो फटाक से इस वीडियो को पॉज करके नोट करो, आप बस इसको याद रखना कि आपका जो यहां से फर्स्ट स्टेप से आया वो आया CH3COO- और NO2+। अब क्या करेंगे कि NO2+ का रिएक्शन कराएंगे इसके साथ पायरोल के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा सो देखिए। तो फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए, हम ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा हटाएंगे। तो देखिए अब हमको क्या करना है, यहां से आपको CH3COO- और NO2+ मिला तो करना क्या है कि आपको पायरोल के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराना है NO2+ का, ठीक है। यही है आपका क्या पायरोल, इसका रिएक्शन कराना है NO2+ के साथ। तो होगा क्या कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस नाइट्रोजन NO2 का क्या करेगा, NO2 का क्या करेगा पॉजिटिव करेक्टर को खत्म करेगा अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, ये कुछ बनेगा ऐसा, यहां पॉजिटिव यहां एच और यहां पे NO2, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और यहां पे हाइड्रोजन। अब क्या होगा कि यहां से देखिए आपका CH3COO- निकला है तो इस CH3COO- को H+ का रिक्वायरमेंट है, ये जाएगा इस हाइड्रोजन को लेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहां से क्या बाहर निकलेगा CH3COOH, जो इसको चाहिए था वो लेकर के अपना निकल गया यहां से। और साथ ही साथ क्या बनेगा आपका जो है मेन प्रोडक्ट वही बनेगा क्या 2-nitro-pyrrole यहां पे NO2 और इसका क्या नाम है, इसी का नाम है आपका 2-nitro-pyrrole, ठीक है। तो उम्मीद है कि 2-nitro-pyrrole कैसे बना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ब्रोमिनेशन का, तो फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अब बात करते हैं ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशंस और पायरोल नोट कीजिए, कर लिए चलिए मिटाते हैं। अब बात करते हैं ब्रोमिनेशन, क्या ब्रोमिनेशन पायरोल में जो है ब्रोमिनेशन कैसे होता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, व्हेन पायरोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल टू फॉर्म टेट्राब्रोमोपायरोल, क्या चीज टेट्राब्रोमोपायरोल, तो वही काम करेंगे हम लोग, इसका रिएक्शंस देखेंगे और फिर इसका मैकेनिज्म। इसका रिएक्शन देखिए कुछ ऐसा होगा, आपको क्या करना है पायरोल लेना है, ठीक है। इसका रिएक्शन आपको करना है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, दैट इज Br2 के साथ नहीं, और जब Br2 के साथ इसका रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ किसका इथेनॉल C2H5OH, तो जाकर के आपका जो बनेगा वो बनेगा टेट्राब्रोमोपायरोल,
और टेट्रा ब्रोमोपाइरोल की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, नहीं चारों पोजिशन पे जाके बीआर लग जाएगा। यही है आपका टेट्रा ब्रोमोपाइरोल। क्या नाम है इसका? टेट्रा ब्रोमोपाइरोल। और जानते ही हो कि ये क्या है, आपका पायरोल है, ये ब्रोमीन है, और ये आपका क्या है, इथेनॉल है। तो आइए इसका बात करते हैं मैकेनिज्म, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्टेप वन में क्या होगा कि आपका C2H5OH कैसे ब्रेक होता है आपको मालूम होगा, C2H5O- और H+ में, ठीक है। तो करेंगे क्या स्टेप टू में कि हम लेंगे पायरोल को, नहीं, और इसका रिएक्शन कराएंगे Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम दैट इज H+, ठीक। तो होगा क्या, ये जाके अटैक करेगा इस ब्रोमीन को लेगा, नहीं, और यहां से ये आपका H+ लेकर के यहां से HBr निकल जाएगा बाहर, ठीक। तो ये बनेगा क्या, ये कुछ आपका बनने वाला है ऐसा, नाइट्रोजन दिस वन यहां पॉजिटिव बनेगा, यहां H और यहां पर आपका जाकर के Br और यहां पे H जाकर बचेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका स्टेप टू। स्टेप टू इसमें थोड़ा सा एक तो और हम काम कर देते हैं कि यहां पे देखिए आपका जो C2H5O- बना था, C2H5O- इसको लाते हैं, ऐसे लिखे ना इसको नेट C2H5O-। ये निगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को लेगा और ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो है जाकर के आपका कुछ बनेगा ऐसा, नाइट्रोजन यहां हाइड्रोजन ये कुछ ऐसा और यहां पे Br। तो आप देखिए कि एक पोजीशन पे आपका Br आ गया, कितना पोजीशन पे चाहिए, चारों पोजीशन पे चाहिए। तो एक के लिए आप ऐसा किए तो चारों पोजीशन के लिए फिर से आपको क्या लेना होगा, Br2 लेना होगा, C2H5OH लेना होगा, तो एक और पोजीशन सब्स्टिट्यूट होगा, फिर आपको फिर से लेना होगा यही दोनों केस, तो एक और पोजीशन सब्स्टिट्यूट होगा, फाइनली चौथा बार लीजिएगा तब जाकर के आपका चारों पोजीशन पे Br आएगा, दैट इज की टेट्रा ब्रोमो पायरोल बनेगा। तो आप इसके बाद जो है स्टेप थ्री में उतना दिखाने से अच्छा डायरेक्ट आपको क्या लिख देना है, सो देखिए स्टेप टू तक समझ में आ गया, स्टेप थ्री में देखिए आपको क्या करना है, आपका कुछ बना ऐसा, नाइट्रोजन यहां हाइड्रोजन यहां पे ब्रोमीन। तो अब क्या करना है कि इसका रिएक्शन आपको कराना है किसके साथ, Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH। कब तक कराना है, रिपीट Above reaction till all the position are substituted with Br, that is bromine। तो जाकर के आपका final product क्या बनेगा, final product आपका जाके बनेगा कुछ ऐसा, यहां nitrogen hydrogen, तो यहां भी आर और यहां भी आर, और यही है आपका फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज टेट्रा ब्रोमो पायरोल। क्या चीज, टेट्रा ब्रोमो पायरोल। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है इसमें ब्रोमिनेशन और कैसे होता है इसमें क्या नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन दोनों रिएक्शन हम लोग देख लिए, दोनों केमिकल प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंट पार्ट था। उम्मीद है कि ये सब सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें देखते हैं कि एक क्लास में देखना होगा हमको कि पोरफायरिन कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ पोरफायरिन का रिएक्शन शो करता है क्या पायरोल, और फिर आपका डायजोमिथेन के साथ भी सारे रिएक्शन करता है वो भी देखेंगे, और एक सल्फोरेशन बच रहा है। तो ये दो तीन प्रॉपर्टीज बचा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।